हेलो। हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बेटा आवाज़ देखो मेरी, थोड़े को आवाज़ पहुँच रही है। एंड सेकेंडली देखो जी, विजिबिलिटी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुहानू ठीक दिख रहा है? हाँ जी गुरप्रीत, विजिबिलिटी क्लियर है? लो जी बेटा जी, ध्यान दियो। तो आप लास्ट लैक्चर के बीच एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ सीगा, तो लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक कोसेट्स। हाँ जी, व्हाट आर कोसेट्स? तो कोसेट की है, तो सुनो बेटा ध्यान नाल, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोसेट दे लई मान लो लेट जी बी ए ग्रुप, जी तुहाडे कोल कोई ग्रुप है एंड एच बी सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है जी। जो एच है तुहाडे कोल जी दा कोई सब ग्रुप है, ठीक है जी, जी कोई ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है। एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, ए कोई जी दा एलिमेंट है, देन एच ए मीनिंग एच ए वेयर एज एच बिलोंग्स टू एच इज कॉल्ड राइट कोसेट, इज कॉल्ड राइट कोसेट। एंड ए एच मीनिंग ए एच वेयर एज एच बिलोंग्स टू एच इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, इफ एच इज मल्टीप्लाइड टू द राइट, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी, इफ ए इज मल्टीप्लाइड टू द राइट ऑफ एच देन इट इज कॉल्ड राइट कोसेट, इफ ए इज मल्टीप्लाइड टू द लेफ्ट ऑफ एच देन इट इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट, ठीक। तो ठीक है बेटा ध्यान दियो, तो तुहाडे कोल दो तरह के कोसेट्स है, लेफ्ट कोसेट्स एज वेल एज राइट कोसेट। तो दिस एच ए दा मतलब एच इन टू ए नहीं है, हालांकि मैं मल्टीप्लीकेशन बोल रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द ऑपरेशन इन विच जी इज ए ग्रुप, ठीक है जी, ध्यान दियो। तो एक्चुअली जिस तरह आप कल लैक्चर के डिस्कस किया, अगर जी तुहाडे कोल अंडर एडिशन हो, अगर जी, अगर मैं एक रिमार्क लिखा, इफ जी इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, अगर जी एडिशन दे अंडर ग्रुप बनता है तां फिर की होएगा, एंड एच उस तरह ही सब ग्रुप है, दैन लैफ्ट राइट कोसेट दे लई बेटा जी ए एच प्लस ए हो जाएगा, वेयर एज एच प्लस ए एंड एच बिलोंग्स टू एच, सो दिस इज फॉर द राइट कोसेट। तो ये तुहाडे कोल की हो जाएगा जी राइट कोसेट, ठीक। उस तरह ही अगर तुहाडा ए लैफ्ट तो ऐड हो रहा है, तो देर इट इज ए प्लस एच वेयर एज एच बिलोंग्स टू एच, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट, ठीक है जी। इस दे आपां कल दो एग्जाम्पल किए थे, एक तुहाडे कोल एक, हाँ जी बेटा ध्यान दियो, ये आपने दो एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। द फर्स्ट वन, मान लो जी तुहाडे कोल ग्रुप है, लेट जी कंटेन्स वन माइनस वन आयोटा एंड माइनस आयोटा, देर इट इज वन माइनस वन आयोटा एंड माइनस आयोटा, एंड एच देर इट इज वन माइनस वन इज सब ग्रुप, दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी। से फाइंड ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, जी दे विच एच दे अपने सारे राइट कोसेट्स फाइंड आउट करने हैं। लो बेटा जी ध्यान दियो, तो वेरी सिंपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एच वन राइट ते मल्टीप्लाई होया है, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन है तो मैं मल्टीप्लाई ही करांगा, तो एच आई एच माइनस वन एच आयोटा एच माइनस आयोटा, हाँ जी ध्यान दियो। तो एच तुहाडे कोल सब ग्रुप गिवन है, सब ग्रुप के हर एक एलीमेंट नूं राइट ते अपने वन ना मल्टीप्लाई करना, वन इज आइडेंटिटी
कोई चेंज नहीं है, उसी तरह ही रह जाएगा। फिलहाल मैं एक बार लिख दें जी, 1 माइनस 1 देर इट इज़ 1, तो ये थोड़े को बनेगा 1 माइनस 1 दैट इज़ सेम एज एच। ठीक है जी, आप सब क्वेश्चन सॉरी कोसेट्स ने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करांगे, तो वो आप डिस्कस करांगे अगर थोड़ा जो एलीमेंट है ए वाला, यानी कि जो राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट कोसेट के लिए, लैफ्ट के लिए लैफ्ट से होएगा, अगर तो वह एच के ही हो तो एच ए एच के इक्वल ही हो जाता है। तो दैट इज़ अवर नैक्सट टॉपिक। हूँ इतने जिस माइनस वन है, माइनस वन भी एच दे विच ही है, तो ये तुहाडे कोल बन जाएगा जी 1 माइनस 1। जेकर तुसी नू माइनस वन ना मल्टीप्लाई करते हो से, तो फिर ये उसी तरह रह जाएगा जी। एलीमेंट्स अगे पिछे होने दे नाल इहदे ते कोई इफेक्ट नहीं पैंदा जी, दैट इज़ अगेन एच। ये भी तुहाडे कोल एच ही आ गया, ये भी एच ही आ गया, तो ये कोई जरूरी नहीं है भी एच दे इक्वल ही होवे। हाँ, एच दे इक्वल हो जाता है, बट जेकर तुहाडा जिहड़ा ए वाला एलीमेंट है ए एच दे विच ही होवे, जेकर एच नू बिलोंग नहीं कर रहा ए वाला एलीमेंट, तो फिर एच ए एच दे इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नैक्सट देखो जी, तो इतने तुहाडे कोल सीगा 1, देर इट इज़ माइनस 1, इहनू तुसीं आयोटा ना मल्टीप्लाई करो, देर इट इज़ आयोटा, दिस इज़ माइनस आयोटा। तो ध्यान दिओ, ये हुण तुहाडे कोल एच दे इक्वल नहीं है, है ना, बी केयरफुल, इतने थोड़ा ध्यान दिओ क्योंकि आपां नू इस चीज़ की जरूरत पेगी। ठीक, हाँ जी बेटा, ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थोड़ा ध्यान दिओ इस वाल। ठीक है, हालांकि आप कल इतना कर चुके थे, हम जो माइनस आयोटा ना मल्टीप्लाई करोगे तो देर इट इज़ 1 माइनस 1 माइनस 1, जेकर इन माइनस आयोटा ना मल्टीप्लाई करांगे तो दैट गोज टू देर इट इज़ माइनस आयोटा एंड दिस इज आयोटा, अगेन इट इज़ नॉट एच। तो इतने थोड़ा कंसनट्रेट करो, इन चीज़ों को आप डिस्कस करांगे लेटर ऑन। ठीक, तो एक चीज़ होर है, लैफ्ट कोसैट तो राइट कोसैट इक्वल होन ये कोई जरूरी नहीं है, राइट कोसैट तो लैफ्ट कोसैट इक्वल होन यही कोई जरूरी नहीं है जी, हो भी सकते है तो नहीं भी हो सकते, डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप। हुण एक गल तुसी कह सकते हो, अगर तुहाडा ग्रुप अबिलियन हो, इफ योर ग्रुप इज़ अबिलियन, दैन लैफ्ट कोसैट तो राइट कोसैट दोनों की हो जाते हैं जी, सेम हो जाते हैं। तो मैं इतने एक छोटा जा रिमार्क लिखन जा रहा, रिमार्क के लिए, इफ जी इज़ अबिलियन, अगर जी तुहाडे कोल अबिलियन ग्रुप है तो फिर बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच ए ते ए एच मतलब लैफ्ट कोसैट ते राइट कोसैट दोनों की हो जाएंगे जी, सेम हो जाएंगे। क्लियर, ओके। हुण दूसरी गल जी, अगर तुहाडे कोल एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअल दे विच, दिस इज़ अनदर कॉन्सैप्ट, एक होर कॉन्सैप्ट है, आप डिटेल डिस्कस करांगे। चलो एक बार मैं इतने डेफिनेशन डिस्कस कर जा रहे हैं, अगर जी तुहाडे कोल अबिलियन नहीं है, एच कुछ इस तरह का सब ग्रुप है जिदे लैफ्ट कोसैट तो राइट कोसैट ईक्ल हो जाए, तो उस सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप रहने हैं जी, वह अपना नैक्सट टॉपिक होएगा। चलो फिर भी इतने ये आ गया तो मैं लिख रहा, अगर तो जी अबिलियन है दैन इट इज़ 100% श्योर एच ए तो ए एच ईक्ल होगी, बिकॉज अबिलियन ग्रुप इज़ कॉमोटेटिव, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, वो एच ए का मीनिंग भी उही होएगा तो ए एच का मीनिंग भी उही होएगा। बट जदों आपां गल करते हैं भी मान लो तुहाडा जिहड़ा जी है दैट इज़ नॉट अबिलियन, बट फिर भी एच दे लई मान लो इफ जी इज़ अबिल इफ जी इज़ नॉन अबिलियन, मतलब अबिलियन भी हो सकता, चलो एक बार मैं इनू नॉन अबिलियन लिख रहा, ठीक है, अबिलियन दे लई तां कंडीशन होएगी होएगी, एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट, एच तुहाडे कोल जी का सब ग्रुप है सच दैट एच ए इज इक्वल टू ए एच। ठीक है जी, तो फिर जेड़ा ए एंड ए ओबियसली किनू बिलोंग कर रहा है जी, जी नू, तो फिर एच द स्पैशल नाम हो जाता है जी, एच नू कहिंदे आ नॉर्मल सब ग्रुप, एच नू की कहिंदे आ फिर आपां नॉर्मल सब ग्रुप। तो ठीक है बेटा जी, ये फिलहाल मैं इतने डेफिनेशन ही लिखन जा रहा, इनू आप लेटर ऑन बाद दे विच डिस्कस करांगे। तो व्हाट इज़ नॉर्मल सब ग्रुप की है तुहाडे कोल, जी तुहाडे कोल कोई ग्रुप है, मे बी अबिलियन मे बी नॉन अबिलियन, क्योंकि अबिलियन के लिए तो कंडीशन होल्ड करेगी करेगी, तो मैं इतने नॉन अबिलियन ग्रुप लिखता, ठीक है। एंड एच कोई इस तरह का सब ग्रुप है ये नॉन अबिलियन होने के बावजूद भी कंडीशन होल्ड कर रहा है, दैन एच इज़ कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप। हाँ जी बेटा जी, क्लियर, इतों तक किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हो। हाँ जी बेटा जी, देखो क्लियर है, इंदर, गुरतेज सिंह, गुरदीप, जसप्रीत,
हरजीत कौर एंड आस्था। देखो बेटा क्लियर है, ठीक। चलिए आगे, जी लो बड़ा ध्यान दियो। हुण मैं एक होर एग्जाम्पल नाल इहनूं समझाउण दी कोशिश करदा को सेट्स नूं। हाँ जी प्लीज ध्यान दो। तो नेक्स्ट मेरे को है एक बड़ा, आवाज देखो तुहानू ठीक सुन रही है? ओके जी, चलो जी ध्यान दो फिर। नेक्स्ट लो जी, तो जिस तरह आप कल डिस्कस किया मान लो जी मेरे को ग्रुप अपने सिमेट्रिक ग्रुप पढ़िया हुआ जी एस थ्री, लैट एस थ्री बी द सिमेट्रिक ग्रुप। एस थ्री थोड़े को सिमेट्रिक ग्रुप है ओवर ये सैट है 1 2 3 जिदे उपर सिमेट्रिक ग्रुप डिफाइन किया हुआ। एस थ्री आप वैसे बहुत बार कर चुके हैं एंड एस थ्री अगर तुसी लिखना चाहो तो आप ऑलरेडी किया हुआ दैट इज आई, दिस इज नॉट आयोटा, आई 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 3 4 5 6 हाँ जी। तो दिस इज सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है जी। तो एंड आप लास्ट लैक्चर डिस्कस किया सी आई 1 2 1 2 दिस इज सब ग्रुप ऑफ एस थ्री। हाँ जी एस थ्री का एक है तो सब ग्रुप ना, वी हैव टू फाइंड ऑल राइट कोसेट्स, लेफ्ट भी कह सकता जी, ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच इन एस थ्री। हाँ जी ये राइट कोसेट्स फाइंड आउट करने अपने एस थ्री दे विच। देखो बेटा सारे नहीं करांगा मैं, कुछ करके दिखा रहा थानू। तो पहला एच आई वाला तुसी अपने आप कर लोगे, एच 1 3 वाला कर दें जी, एच 1 3 एच तुहाडे कोल गिवन है आई 1 2 1 3 लो जी। तो जिस तरह मैं तुम्हें डेफिनेशन दसी है एच दे हर एक एलीमेंट नू राइट ते इस इस एलीमेंट नाल आपां ने की करना हुंदा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जां फिर जिहड़ी भी कंपोजिशन दे अंडर जिहड़ी भी बाइनरी ऑपरेशन दे अंडर तुहाडा ग्रुप बन रहा उस दे नाल इहनू ऑपरेट करना हुंदा, ठीक है जी। तो हुण इत्थे कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग्स है, एक्चुअली दीज आर द मैपिंग्स, दिस इज द आइडेंटिटी मैपिंग आई इंटू 1 3 1 2 इंटू 1 3 लो बड़ा जी ध्यान दियो। तो जो भी बनेगा आई नूं तां किसे नाल मर्जी मल्टीप्लाई करो ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ आई, ये तो तुहाडे कोल 1 3 ही रह गया। लो जी 1 2 ते 1 3 ये आपां वैसे काफ़ी बार कर चुकी हैं, चलो फिर भी एक बार मैं दस दें जी। 1 2 इहदी कंपोजिशन किस तरह होएगी, 1 चलो इत्थे लिखते हैं जी 1 2 1 दी इमेज 2 2 दी इमेज 1 ते 3 नहीं दिता हुआ 3 दी 3 रह जाएगी। इहदे लई 1 दी इमेज 3 3 दी 1 तो 2 नहीं दिता हुआ 2 दी 2 रह जाएगी। तो जेकर आप इहनूं लिखना होवे तां किस तरह लिखते हैं जी, 1 दी इमेज 2 1 दी 2 2 दी 2 तो 1 दी 2 रह गई जी, 2 दी 1 1 दी 2 दी इमेज 1 1 दी 3 तो कितना हो गया जी 2 दी इमेज 3 होगी, फिर 3 दी 3 ते 3 दी 3 3 दी 1 मतलब 3 दी इमेज सी तुहाडे कोल आ गई 1। तो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट दिस इज 1 2 3 1 दी इमेज 2 2 दी 3 ते 3 दी 1 तो आई कैन राइट 1 2 3 लो जी। तो यह तुहाडे कोल हो गया एक राइट को सेट, ए वाला राइट को सैट ओबियसली जिहनूं आपां इह एच दे इक्वल नहीं है। तो एच ए एच दे इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, कदों होएगा उहदे लई आपां कंडीशन डिस्कस करदे हैं जी। देखो बेटा जी क्लियर है किसी नू राइट को सैट ते लैफ्ट, अच्छा जी इसे तरह ही आप लैफ्ट को सैट भी यदा फाइंड आउट कर सकते हैं जी, ठीक है। जे मैं लैफ्ट को सैट फाइंड आउट करना हो मान लो से लैफ्ट को सैट व्हाटएवर लैफ्ट को सैट इसे दे करॉसपोंडिंगली तो की होएगा जी 1 3 इतने होगा जी तो एच
ठीक, तो उसे कर दें जी किस तरह, तो कितना आएगा 13 एच थोड़े को है, लिखो जी देयर इट इज आई 12 तो कितना होएगा जी राइट को सेटे का, तो पहले आई दे नाल तो कोई फर्क नहीं पाएगा, उसी तरह रह जाएगा आई 13 यस, फिर इतने आया बेटा जी 13 तो 12 हुण इहनूं थोड़ा ध्यान नाल करियो, कोई जरूरी नहीं यही आवे, तो देखो जी ध्यान नाल 1 दी इमेज 3 ते 3 दी 1 ते 2 एज इट इज, फिर इतने 1 दी इमेज 2 ते 2 दी 1 3 एज इट इज, लो जी करियो इहनूं, तो 1 दी इमेज 3 हो गया, 1 दे लई 3 ते 3 दे लई 3, 1 दी इमेज 3, 2 दे लई 2 इतने 2 दे लई 1 तो 2 दे लई 1 हो गया जी, 3 दी इमेज तुहाडे कोल 1 आ गई, 1 दी इमेज तुहाडे कोल 2 आ गई, अल्टीमेटली 3 दी इमेज 2, तो आई कैन से 1 गोज टू 3, 3 गोज टू 2, तुहाडे कोल बन गया जी दैट इज 13, लो बड़ा ध्यान दिओ, तो हुण इत्थे AH AH तो A आया दिस 1 तो HA A आया एंड बोथ आर डिस्टिंक्ट, तो दोनों इक्वल नहीं है जी, मतलब AH ते HA ऑलवेज इक्वल होने कोई जरूरी नहीं है, बट जेकर इक्वल हो जाते हैं वो मैं तुम्हें दस्या है H की हो जाएगा तो को नॉर्मल सब ग्रुप। हाँ जी ठीक है, देखो बेटा किसी ने कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, हाँ जी आस्था हाले भी बेटा ब्लर हो रहा, कुछ नहीं दिख रहा, अच्छा हाँ जी आस्था देखो बेटा हुण भी ब्लर हो रहा है, मानसी देखो क्लियर है हुण भी ब्लर हो रहा है कि नहीं, देखो ठीक है ओके, एक्चुअल दे विच की है ना वो थोड़ा जा मैं थोड़ा फास्ट कराता जिहदे नाल मतलब मूव मैं थोड़ा ज़्यादा हो गया, और ना कैमरा रीफोकस करन करके तो फिर ता करके ब्लर हो जाता है, तो हुण देखदे क्योंकि तुसीं ऑलरेडी कीता होया ना लास्ट लैक्चर दे विच तां करके मैं थोड़ा जा फास्ट कराता, तो जिहदे नाल मूवमेंट मेरी थोड़ी जी वध गई तो थोड़ा जा हो गया जी ओके, लो बेटा ध्यान दिओ, तो फिर मैं नैक्सट करन जा रहे हैं जी, हुण जो मैं करवावांगा इहनूं तुसीं काफ़ी ध्यान नाल समझो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स, तो इहनूं ध्यान नाल समझियो जी, हाँ जी कुछ कोसेट्स दीआं प्रॉपर्टीज डिस्कस करदे हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू दोनों दे लई ही इह काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, लो जी ध्यान दियो, तो कोसेट की डेफिनेशन दे विच मैं तुम दस्या सी राइट कोसेट दे लई एच ए इज इक्वल टू एच ए वेयर एज एच बिलोंग्स टू एच, ठीक है जी, एंड ऑब्वियसली जी तुहानू पता ही है जी, जी आप स्टार्टिंग दे विच ही लिखते हैं जिहड़ा ए एलीमेंट है वह जी दे विच होना चाहिए, जी इज़ अ ग्रुप ऑब्वियसली, ठीक तो ए जी दे विच होना चाहिए, हुण देखो जी दिस इज़ द ग्रुप जी एंड दिस एच इज सब ग्रुप, हुण दो समस्यावां है ध्यान नाल समझियो, जिहड़ा ए एलीमेंट है वह जी दा एलीमेंट है, ए दा ए जो है दैट बिलोंग्स टू जी, हुण ए एच दे विच हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता, ठीक है जी, जिहड़ा तुहाडा ए है एच दे विच तां है ही है, इट मे बिलोंग टू जी, सॉरी ध्यान दिओ जिहड़ा तुहाडा ए है ए एलीमेंट है वह जी नूं तां बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है वह एच दे विच हो भी सकता है तो एच दे विच नहीं भी हो सकता, ठीक है जिहड़ा तुहाडा ए है वह इत्थे भी हो सकता है तो वह इत्थे भी हो सकता है, दोनों दे लई दो कंडीशन, हाँ जी ध्यान दिओ, तो प्रॉपर्टीज करन जा रहे हैं मैं, जेकर तुहाडा ए एच नूं बिलोंग कर रहा है तो एच ए जो है वह एच दे इक्वल ही हो जाता है, एंड सेम फॉर द लैफ्ट कोसेट ए भी तुहाडा एच दे इक्वल ही हो जाता है जी, हाँ जी ठीक है, तो दैट इज़ द फस्ट प्रॉपर्टी, तो लिखण जा रहे हैं जी ए तुहाडा एच नूं बिलोंग जेकर मान लो ना करे ए एच नूं बिलोंग नहीं कर रहा
देन तो फिर आपको पता है एच ए जो है वो एच दे इक्वल नहीं होएगा. एंड दिस बोथ वे दोनों तरफ है जी ये है इफ एंड ऑनली इफ. तो प्रॉपर्टी नंबर वन लो जी प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स. हाँ जी प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हाँ जी बड़े ध्यान दो ऑब्वियसली लेट मैं पहले जो लिख ही देने जी इज ए ग्रुप एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी. तो बार बार मैं नहीं लिखूंगा जी. हाँ जी ध्यान दो. तो एच ए इज इक्वल टू एच. अगर एच ए एच दे इक्वल होवे देन इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई जिहड़ा ए है तुहाडा किनू बिलोंग करेगा एच नू बिलोंग करेगा. ठीक है जी एच ए अगर एच दे इक्वल होवे तां ए तुहाडा किनू बिलोंग करेगा एच नू बिलोंग करेगा. एंड इसे प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी नंबर वन है इहदा इसे दा इस सैकेंड पार्ट है. एंड ए एच ए लैफ्ट कोसेट दे लई है जी. तो सेम सिचुएशन है ए विल बिलोंग टू एच. अगर एच ए एच दे इक्वल होवे तां एच तुहाडा ए एच नू बिलोंग करेगा. एंड सेम हेयर ए एच अगर एच दे इक्वल होवे तां ए एच नू बिलोंग करेगा. ए बोथ वेज है जी. तो लो बेटा ध्यान दो मैं इनू प्रूव करन जा रहे हैं जी. ठीक लो जी ध्यान दो फॉर द प्रूफ. हाँ जी फस्ट आप लैके चलते हैं भी जोड़ा थोड़ा एच ए है वह एच द इक्वल है. एंड दैन वी विल प्रूव ए बिलोंगस टू एच. ए थोड़ा किनू बिलोंग करेगा एच नू बिलोंग करेगा. ठीक है जी एच ए आप पहले की मानते हैं लैट एच ए इज इक्वल टू एच. एच ए एच द इक्वल है जी. आपने प्रूव की करना है टू प्रूव. हाँ जी प्रूव करना है भी जोड़ा अपने प्रूव करना भी जो ए है वह भी किनू बिलोंग करेगा एच नू बिलोंग करेगा. एंड एच ए इज इक्वल टू एच दिस इज गिवन. हाँ जी ध्यान समझो सिंस प्रूफ दे लई एच इज सब ग्रुप ऑफ जी. ठीक है जी एच जी का सब ग्रुप है तो एच अपने आप दे विच भी ग्रुप होएगा तो आइडेंटिटी ये होनी चाहिए है. सो देयर फॉर आइडेंटिटी बाई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ई बिलोंगस टू एच. ई एच दे विच होएगा ही होएगा. ना हुण ध्यान दियो जी बाई द डेफिनेशन ऑफ कोसैट. कोसैट्स के किस तरह के एलीमेंट हो रहे हैं मैं राइट कोस की गल कर रहे हैं. तो यदा मतलब ई ए जो होएगा ई ए किनू बिलोंग करना चाहिए एच ए ड्यू टू द डेफिनेशन. दिस इज द ए कोसैट का ए थोड़ा एच का एलीमेंट हो गया ए थोड़ा जी का एलीमेंट हो गया. तो की सी राइट कोसैट की डेफिनेशन एच ए दैट इज एच ए वेयर एज एच बिलोंगस टू एच. लो बेटा ध्यान दो इतने एच की जगह मैं ई लिखता कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो ई ए किनू बिलोंग करेगा एच ए नू बिलोंग करेगा जी. ई ए किनू बिलोंग करेगा एच ए नू बिलोंग करेगा. नाउ बी केयरफुल ई ए का मतलब ए ही हो गया ए किनू बिलोंग करेगा एच ए नू. नाउ ए चीज़ गिवन है जी इनू फस्ट मान लो एच ए की दे इक्वल है जी एच दे. दिस इज गिवन बाय फर्स्ट. ध्यान दो जी एच ए किन्ना दिता हुआ है एच दे इक्वल दिता हुआ है. तो अल्टीमेटली वी आर डन ए तुहाडा किनू बिलोंग कर गया जी एच नू बिलोंग कर गया. सिंपल एज दैट. देखो जी ध्यान नाल किसी ने कोई डाउट लगता है तो पूछ सकते हो. हाँ जी क्लीयर. हाँ जी ठीक. देखो बेटा कॉन्सैप्ट समझने की कोशिश करो डोंट ट्राई टू क्रैम इट. इनू याद नहीं करना तुसी की करना है सिंपल. देखो जी ध्यान नाल एच ए एच दे इक्वल गिवन है ए तुहाडा एच नू बिलोंग कर रहा है कोई एलीमेंट है ये आपने प्रूव करना है. अगर एच ए एच दे इक्वल देन वी आर टू प्रूव दैट ए बिलोंगस टू एच. सुनो जी ध्यान नाल हुण सिंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी तो सब ग्रुप है ऑब्वियसली आइडेंटिटी तो होएगी उहदे विच तो ई बिलोंगस टू एच. हुण बाय डेफिनेशन अपने कोल ए हुंदी है जी राइट सब राइट कोसैट दी एच ए दैट इज एच ए वेयर एज एच बिलोंगस टू एच. तो इतों आप कह सकते हैं एच की जगह मैं ई लिखिया तो ई ए बिलोंगस टू एच. हाँ जी ठीक ई ए कि इक्वल होंगे जी ई दे इक्वल होंगे तो एच ए ई ए किनू बिलोंग कर गया जी एच ए नू. बेसिकली ई ए इज इक्वल टू ए ए किनू बिलोंग कर गया जी एच ए नू. एंड वट अबाउट एच ए एच ए कि इक्वल है जी एच दे इक्वल है बाय द गिवन कंडीशन.
तो मैं की किता एच ए की जगह एच लिखिया, दैट मीनस ए बिलोंगस टू एच, तो दिस इज बाय वन, तो दैट इज़ द प्रूफ। देखो जी ध्यान नाल, सिंपल जहा प्रूफ है, बड़ी छोटा जहा रिजल्ट है, किसी को डाउट है तो पूछो जी। क्लियर? लो जी हुण बेटा इहदा कन्वर्ट्स पार्ट थोड़ा ध्यान नाल समझो। कन्वर्सली इफ एंड ऑनली इफ है तो ये कन्वर्ट्स भी करना होएगा। कन्वर्ट्स के हम थोड़े को है, आप कंडीशन मान के चलेंगे ए तो एच न बिलोंग करता है, दैन वी आर टू प्रूव दैट एच ए इज ईक्ल टू एच। हाँ जी ठीक है, कन्वर्स पार्ट के आपने की करना है, ए तुहाडा एच नू बिलोंग करता है, ये चीज़ आप सपोज करके चलेंगे, एंड वी आर टू प्रूव दैट एच ए इज ईक्ल टू एच। बड़ी सिंपल जी चीज़ है जी। ओके लो जी ध्यान दो, तो लैट ए बिलोंगस टू एच, ए तुहाडा एच नू बिलोंग कर रहा है। हुण आपने प्रूव करना है, टू प्रूव एच ए इज ईक्ल टू एच। देखो बेटा बड़ी सिंपल जी गल है, थोड़ा ध्यान नाल समझने की कोशिश करो। आप एच ए दे विच दो सैट्स है, एक्चुअली दो सैट ही है, को सैट की एक तरह का सैट ही है, एच सब ग्रुप है तो भी सैट ही है, दो सैट आपने इक्वल प्रूव करने हैं, तो वट इज़ द बेस्ट वे की है, एच ए दे विच कोई एलीमेंट लो उन्हों एच दे विच लै जाओ, फिर एच दे विच कोई एलीमेंट लो उन्हों एच ए दे विच लै जाओ। मीनिंग एक बार तो शो करो भी तुहाडा एच ए एच का सबसेट है, एक बार शो करो एच जो है एच ए का सबसेट है, तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट बोथ सैट्स आर ईक्वल। ठीक है जी, लो जी ध्यान दो, फिर ये कोई एलीमेंट लैने आप, लैट एक्स बिलोंगस टू एच ए, इनू आप बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ को सैट्स इनू आप एच दे विच लै जाएंगे, एंड यूजिंग दिस गिवन रिजल्ट इनू एच दे विच लै जाएंगे। देखो जी किस तरह, हुण एक्स बेटा एच ए नू बिलोंग कर रहा है, बी केयरफुल ध्यान नाल समझो, देयरफॉर जिहड़ा तुहाडा एक्स है वह होएगा किस तरह का, एच इन टू ए टाइप होएगा, वेयर एज एच बिलोंग किनू कर रहा भाई तुहाडा एच नू। नाओ बी केयरफुल, एच किनू बिलोंग कर रहा है, एच नू, एंड ध्यान नाल समझो, and it is given that a ki nu belong kar raha hai h nu, this is given, hain ji hun eh cheez given hai a ki nu belong kar raha hai h nu, by definition x agar h a nu belong karega to x kis tarah da hoega, h into a type hoega, whereas this h belongs to this h, sub group nu belong karega eh wala h। theek hai ji, h h nu belong kar raha, it's okay, but now this is given, a also belongs to h, ए भी एच नू बिलोंग कर रहा है तो एच भी एच नू बिलोंग कर रहा है, तो यदा मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी किनू बिलोंग करेगा, एच नू, किमें भी बाय क्लोयर प्रॉपर्टी, एच भी ए भी किनू बिलोंग कर गया एच नू, अल्टीमेटली जो एक्स सीगा किनू बिलोंग कर गया जी एच नू, तो सही है, एक्स किनू बिलोंग कर रहा सी एच ए नू, हुण किनू बिलोंग कर गया एच नू, इहदा मतलब जिन्ने भी एच ए दे एलीमेंट होणगे वह किहदे विच जाणगे जी एच दे विच, से दिस इज द कंडीशन नंबर टू। हाँ जी देखो बेटा ध्यान दो, एच ए आपने सपोज कर लिया कि सबसेट है जी एच का, तो मैं की प्रूव करना एच दे इक्वल है, हुण आपां एच दे विच कोई एलीमेंट लवेंगे तो उन्हों की दे विच लै जावांगे एच ए दे विच लै जावांगे, एच दे विच कोई एलीमेंट लिखांगे उन्हों एच ए दे विच लै जावांगे। बोलो जी ठीक है, लो जी ध्यान नाल देखो, फिर हाँ जी बेटा जी अपने कोल की है, नाउ एक्स कोई एलीमेंट लो, लैट एक्स बिलोंगस टू एच, एक्स तुहाडा एच नू बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स एच नू बिलोंग कर रहा उन्हूं एच ए दे विच लैके जाना है, नाउ बी केयरफुल, एंड क्वेश्चन च गिवन है ए तुहाडा एच नू बिलोंग कर रहा, एक गल ध्यान दिओ बेटा जी, जेकर तुहाडा ए एच नू बिलोंग कर रहा, एच तुहाडे कोल सब ग्रुप है, तो ये तो की कंकलूजन निकलिया, ए इनवर्स भी तो किनू बिलोंग कर गया, एच नू बिलोंग कर गया। बोलो जी ठीक है, एक्स एच नू बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी, एंड ए आपां नू दिता होया है एच नू बिलोंग कर रहा है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ए इनवर्स भी किनू बिलोंग कर गया एच नू, तो अल्टीमेटली बाय क्लोयर प्रॉपर्टी एक्स ए इनवर्स किहदा एलीमेंट होया जी एच दा, एक्स ए इनवर्स किहदा एलीमेंट होया एच दा। नाओ बी केयरफुल, सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ राइट कोसेट, सुनो जी ध्यान नाल,
x a आ किदा एलिमेंट है जी h दा ए किदा एलिमेंट है h दा इनटू ग्रुप दा एलिमेंट किनु बिलोंग करना चाहिए h a नु दैट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट कोसेट की है डेफिनेशन राइट कोसेट दी अ पहला एलिमेंट किनु किदा होना चाहिए h दा ते दूसरा g दा ए एज इट इज रह जाएगा a ठीक है जी x a इनवर्स किनु बिलोंग कर गया h नु x a इनवर्स h नु बिलोंग कर रहे है तो ए सारा x a आ वाला h दा एलिमेंट है x a इनवर्स इनटू a किनु बिलोंग करना चाहिए h a नु दैट्स ऑल की बन गया जी ए x इन्हां नु इकट्ठे कर दियो x e किनु बिलोंग कर गया h a नु x इज नथिंग बट x बिलोंग कर गया जी h a नु x बेसिकली आपा की दे विच लेके चले सीगे एच दे विच हुण की दे विच आ गया एच ए दे विच लो बेटा जी एच सबसेट हो गया तुहाडे कोले एच ए दा एंड दिस इज द कंडीशन नंबर थर्ड लो बेटा जी हो गया बाई सेकेंड एंड थर्ड एच ए एंड एच बोथ आर इक्वल बाई सेकेंड एंड थर्ड एच ए एंड एच बोथ आर इक्वल हाँ जी ठीक है देखो बेटा ध्यान दो जेकर किसी नू कोई डाउट लगता है तो तुसी पूछ सकते हो वैसे मैं थोड़ा जा फास्ट करवा रहे हैं तुहानू समझ लग रही है एक टॉपिक इज ईजी वन कुछ खास नहीं है जी इस प्रॉपर्टी का सैकेंड पार्ट जो है तुहाडे कोले लैफ्ट कोसेट वाला यह तुसी खुद ट्राई करे जी दिस वन यह बिल्कुल ऑन द सेम लाइनस ये तुसी खुद ट्राई करना है ठीक देखो जी किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो जी फिलहाल सारी थ्योरम जा सारा प्रूफ बोर्ड पर है हाँ जी बेटा बोलो किसी कोई डाउट है तो दसो जी आई थिंक हूँ तो नहीं ब्लर हो रहा हाँ जी क्लियर हाँ जी बेटा ये दसो ठीक है चलिया जाए अगे चलो जी ध्यान दो एक बेटा ध्यान रखिए इनू याद नहीं किया जा सकता इनू समझा ही जा सकता है हाँ जी नेक्स्ट हाँ जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यह प्रॉपर्टी तुहाडे कोले एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इन्हें थोड़ा ध्यान न समझने की कोशिश करो जी हाँ जी व्हाट इज द प्रॉपर्टी हाँ जी प्रॉपर्टी की है प्रॉपर्टी नंबर टू हाँ जी व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी If HA is equal to HB implies and implied by AB inverse belongs to H. ठीक है जी If HA is equal to HB then AB inverse belongs to H. This is also implies and implied by meaning अगर HA ते HB equal है तो AB inverse किनू belong करेगा H नू belong करेगा and इहदा second part है लैफ्ट कोसेट्स के लिए ए एच इज इक्वल टू बी एच इंप्लाइज ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच ठीक है जी तो दो प्रॉपर्टीज है इन्हों दोनों दे विचो कोई भी तुहानू एग्जाम दे विच आ सकती है फर्स्ट वाली प्रूफ मैं करन जा रहा जी सैकेंड प्रूफ तुसी करोगे हाँ जी फस्ट प्रूव करन दे लिए एक बार तुसी एच ए ते एच नू एच बी नू सेम मन के चलो तो ए बी इनवर्स एच नू बिलोंग करवा दे जी ठीक लो जी फॉर द प्रूफ तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट
एच ए इज इक्वल टू एच बी इन तुसी सपोज कर लो दैन टू प्रूव हाँ जी अपने प्रूव करना है ए बी इनवर्स दैट बिलोंग्स टू एच एच ए एंड एच बी बोथ आर इक्वल दैन वी आर टू प्रूव दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हाँ जी उस तरह ही सिंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी सिंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी सो ऑब्वियसली जिहड़ा तुहाडा ई है दैट विल बिलोंग्स टू ई तुहाडा किनू बिलोंग करेगा जी एच नू बिलोंग करेगा अगर तुहाडा ई एच नू बिलोंग करेगा दैट मीन्स इंप्लाइज ई ए will belong to HA, that is due to definition of right coset. Meaning, what is this? A belongs to HA. Lo beta ji dhyan deo, bilkul usi tarah hi hai. E agar tuhanu H nu belong kar rahe hai, to EA nu belong karega HA nu. This is due to the definition of right coset. Now, EA is nothing but A, and that means A belongs to HA. But HA is given to be HB. HA ki de equal hai ji. HB de equal hai. This is given. Ida meaning hoya A belongs to HB. A kat to da ki nu belong kar gaya ji. H nu B nu belong kar gaya. Jekar A HB nu belong kar raha hai. That means A to da kis tarah da hoega H into B type hoega. Whereas H belongs to H. कीप इट इन माइंड हाँ जी ए अगर तुहाडा एच बी नू बिलोंग कर रहा है तो ए किस तरह का होएगा इस तरह का होना चाहिए ए शुड बी लाइक दैट एच इन टू बी टाइप वेयर एज एच बिलोंग्स टू एच नाओ हूँ दोनों पासे ओबियसली बी जो है तुहाडा ग्रुप नू बिलोंग करता है तो उहदा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा दोनों पासे बी इनवर्स नाल ऑपरेट कर दिए एच बी बी इनवर्स लो बड़ा ध्यान दो इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ तो एडजस्ट करो बी बी इनवर्स बी बी इनवर्स इज नथिंग बट ई एच ई दैट इज गोइंग टू बी एच तो एच की नू बिलोंग कर रहा है एच नू बेसिकली दिस एच इज इक्वल टू ए बी अल्टीमेटली सॉरी ए बी इनवर्स एंड दैट इज गोइंग टू बी इन एच That means A, B inverse ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਨੂੰ belong ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ H ਨੂੰ belong ਕਰ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ H ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ H A ਅਤੇ H B ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ A ਇੰਟੂ B ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ H ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ सिंस एच अगर सब ग्रुप है तो ई एच दे विच होएगा आइडेंटिटी सब ग्रुप दे विच होंदी होंदी है दैट इज ड्यू टू द डेफिनेशन हाँ एदा मतलब ई ए किनू बिलोंग करेगा एच ए नू बाय द डेफिनेशन ऑफ राइट कोसेट ई ए किनू बिलोंग कर गया एच ए नू दैट मीन्स ई ए इज नथिंग बट ए ए बिलोंग्स टू एच ए बट एच ए इज गिवन टू बी एच बी एच ए की दे इक्वल है एच बी दे इक्वल है एदा मतलब ये होया तुहाडा जिहड़ा ए है दैट बिलोंग्स टू एच बी बट एच बी दे विच किस तरह के एलीमेंट्स हैगे है एच इन टू बी टाइप यस एच इन टू बी टाइप वेयर एज दिस बिलोंग एच बिलोंग्स टू एच नाउ दोनों पासे बी इनवर्स नाल इहनू ऑपरेट कर दिओ तो ए बी इनवर्स एच बी बी इनवर्स बी बी इनवर्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी दैट मीन्स एच ई तो एच ई इज एच तो यह मतलब होया ए बी इनवर्स किनू बिलोंग कर गया जी एच नू बिलोंग कर गया देखो बेटा किसी कोई डाउट लगता है तो पूछ सकते हो हूँ यदा मैं कर जा रहा है कन्वर्स पार्ट सुनो जी कन्वर्स के होएगा इस कंडीशन नू आपां सपोज करके चलांगे तो एच ए एच बी दे इक्वल आपां शो कर देंगे जी ए बी इनवर्स आपां सपोज करके चलांगे किनू बिलोंग कर रहा है जी एच नू बिलोंग कर रहा है ठीक है जी इनू थोड़ा जा बेटा जी ध्यान नाल समझण की कोशिश करो जेड़ा तुहाडा लिसन ये चीज़ आपां मान के चलांगे लैट ए बी इनवर्स किनू बिलोंग कर रहा है जी एच नू आपां ने प्रूव की करना है टू प्रूव
एच ए इज इक्वल टू एच बी. हाँ जी, देर आर टू वेज. हाँ जी, देर आर टू वेज टू प्रूव इट. देखो जी, एक तो सिंपल तरीका है, जिवें आप पहले करते आए हैं, ये कोई एलीमेंट लो इन ये लै जाओ, फिर उस तो बाद कोई एलीमेंट लो इन ये लै जाओ, जिसे जरूरत पे इस कंडीशन नू आपां की कर लांगे, यूज़ कर लांगे. लो बेटा ध्यान दिओ, करना किस तरह है, इसनू सपोज कर लो, लैट अपन गिवन है, सिंस वी हैव ए बी इनवर्स बिलोंगस टू एच, इनू तुसी कोई नाम दे दिओ, से लैट ए बी इनवर्स इज गोइंग टू बी एच, एच कह लो जी इनू, एंड ऑब्वियसली दिस बिलोंगस टू एच, इनू नाम दे दिओ जी ए बी इनवर्स दैट इज एच. क्लियर? हाँ जी, इनू ऑपरेट करो दोनों पासे बी दे नाल, ए बी इनवर्स बी एच बी, राइट, ते बी दे नाल ऑपरेट कर दिओ जी. लो बड़ा ध्यान दिओ, ये की हो गया जी, तुहाडे कोले ए बी इनवर्स बी, दिस इज एच बी, थोड़ा ध्यान नाल समझियो जी, दिस इज एच बी. वट इज दिस ए, दिस इज आइडेंटिटी, ई हो गया जी, दिस इज एच बी, तो एच ई, हाँ जी, ए ई इज नथिंग बट ए एच बी. हाँ जी, देखो जी, कोई डाउट होवे इतों तक तो तुसीं पुछ सकते हो, मैं कुछ नहीं किया, ए बी इनवर्स तुहाडा एच नू बिलोंग कर रहा है, ए बी इनवर्स एच नू बिलोंग कर रहे, उन्हूं मैं नाम देता जी, एच दे इक्वल लिखता, दोनों पासे बी इनवर्स के नाल ओपरेट कर दिओ जी, सॉरी बी दे नाल ओपरेट कर दिओ, तो बी बी इनवर्स ई हो गया, तो अल्टीमेटली ए ई एच बी इक्वल आ गया, ए ई इज नथिंग बट ए, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू एच बी. बोलो कोई डाउट? ओके, वेरी सिंपल. हुण देखो जी, ए की दे इक्वल है एच बी दे. नाउ मैं इत्थे फाइनल स्टेप लिखण जा रहा हैं, एक मिनट जी. हाँ जी, एक फाइनल स्टेप है. हाँ जी, ए ई, हाँ जी, ए अपने को एच बी दे इक्वल आ गया, ए की दे इक्वल आ गया जी एच बी दे. नाउ बाय डेफिनेशन सुनो बेटा, ध्यान दो, एच ए दा मतलब की होया, एच ए, ए की दे इक्वल है, ए दी वैल्यू पुट कर दो जी, किन्नी है, एच एच बी हो गया जी. हुण बेटा ध्यान दो, एच किनू बिलोंग कर रहा है, एच नू, एच किनू बिलोंग कर रहा है, एच नू बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी. तो एच एच किहदे कोल आ जाएगा, एच दे, एच बी हो गया. इत्थे रीजन लिख सकदे हो, एच किनू बिलोंग कर रहा है, एच नू, तो आपां पिछली प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, एच एच किहदे कोल होना चाहिए, एच दे इक्वल. बोलो जी, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी नंबर वन, आई थिंक दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू प्रूव. तो एच ए किहदे कोल आ गया जी, एच बी दे, नथिंग टू डू. देखो जी, किसी ने कोई डाउट लगता है तो पूछ लो जी. हाँ जी बेटा जी, देखो क्लियर है, किसी ने कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. एक बार मैं इनू थोड़ा जिहा दोबारा दसदा, बिकॉज मे बी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे थानू. सुनो जी, ध्यान दो, मैं की करना चाहना है, ए बी, तो ए बी यूनिवर्स थोड़ा एच नू बिलोंग करता है, ए ने मैंने सपोज कर लिया, एंड आई वॉन्ट टू फाइंड एच ए इज इक्वल टू एच बी, एच ए एच बी दे कोल आपां ने प्रूव करना है, तो नथिंग टू डू, ए वाला एलीमेंट ए बी इनवर्स जो अपन गिवन है वो मन के चल पो, ए बी इनवर्स एच नू बिलोंग करता है, तो किस तरह का होएगा, ए बी इनवर्स समथिंग लाइक दैट, इस तरह का होएगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच. दोनों पास बेटा जी बी नाल ऑपरेट कर लो, तो बी इनवर्स ई हो गया, तो ए ई किहदे कोल आ गया, एच बी दे, ए ई इज नथिंग बट ए. हुण इत्थे ध्यान दिओ थोड़ा जिहा, इत्थे, हाँ जी, ए किहदे कोल आ गया, एच बी दे. नाओ अगर मैं एच ए लिखना होवे, तो ए दी, एच ए, एच ए दी वैल्यू इत्थे सबस्टिट्यूट कर दिओ जी, ठीक है, तो एच बी हो गया. एच एच बेटा जी एच दे इक्वल ही हो जाएगा, बिकॉज फस्ट प्रॉपर्टी दे विच आपां ही पढ़िया सी, बस नाम दा ही फर्क है, उत्थे ए सीगा, तो एच ए इज इक्वल टू एच हुंदा है, तो एच 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 दे इक्वल आ गया, आ बी एज इट इज रह गया, अल्टीमेटली आपां ने प्रूव कर लिया एच ए इज इक्वल टू एच बी. हाँ जी बेटा जी, देखो किसी नूं कोई डाउट होवे तां पुछ सकदे हो जी. हाँ जी बोलो, क्लियर? हाँ जी, जसप्रीत, मानसी, योगेश, अनुज, गुरप्रीत, आस्था, चक्षु, अनुज,
देखो बेटा क्लियर है, तो उस तो बाद हैगा जी इहदा सैकेंड पार्ट। तो सैकेंड पार्ट तुसी बिल्कुल ऑन द सेम लाइन्स अपने आप ट्राई करो। हाँ जी इंदर तुसी हैगे हो बेटा, तुहानू समय लग रहा है, इंदर तुहानू समझ लग रहा है? लो जी फिर थर्ड प्रॉपर्टी करन जा रहे हैं मैं, थोड़ा जा ध्यान नाल समझन की कोशिश करियो जी। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, तो थर्ड प्रॉपर्टी की कह रही है कोई भी दो लेफ्ट को सेट जा राइट को सेट जा तो आइडेंटिकल होंगे जा की होंगे जी डिसजॉइंट। मीनिंग कोई भी दो लेफ्ट कोसेट जा राइट कोसेट्स दे विच जा तो कुछ भी कॉमन नहीं होएगा जा फिर सब कुछ ही कॉमन होएगा। ये नहीं हो सकता भी कुछ एलीमेंट इन्हां दे विच कॉमन है ते बाकी अनकॉमन है, इस तरह का कुछ नहीं होएगा। की होएगा जा तो सारे कॉमन जा फिर कुछ भी कॉमन नहीं होएगा। लो जी तो करन जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। चलो ध्यान दियो भी। हाँ जी व्हाट इज थर्ड प्रॉपर्टी? प्रूव दैट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। हाँ जी प्रूव दैट एनी टू राइट कोसेट्स। मैं बेटा जी नाल लेफ्ट भी लिख देना। आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। हाँ जी कोई दो राइट कोसेट्स जा तो डिसजॉइंट होंगे जा की होंगे जी आइडेंटिकल होंगे। मीनिंग जा तो उन्होंने कुछ भी कॉमन नहीं होएगा, डिसजॉइंट का मीनिंग देयर इज नथिंग इन कॉमन। तो जा फिर जे कहते कुछ एक भी एलीमेंट कॉमन हो गया तो वह एक एलीमेंट नहीं होएगा, वह फिर सारे एलीमेंट ही कॉमन हो जाएंगे जी। किस तरह? लो जी फॉर द प्रूफ लेट G be a group and H be its subgroup। हाँ जी दो चीज़ां प्रूव करनी है आपां ने। To prove either कोई दो राइट कोसेट्स बिल्कुल सेम होंगे, either H A and H B are equal or H A, चलो पहले ये लिख लो, either H A and H B are disjoint, disjoint in the sense there is nothing in common, or H A is equal to H B। देखो जी जहाँ कहते हैं ना कुछ भी कॉमन नहीं होएगा या फिर सब कुछ ही कॉमन होएगा, दैट मीन्स दोनों सेम हो जाएंगे। लो जी प्रूफ के लिए आप की करते हैं, तो इफ पहला एच ए इंटरसैक्शन एच बी मान लो थोड़े को फाई है, तो जो आप मान ही लिया फिर देयर इज नथिंग टू प्रूव, ऑलरेडी डन नथिंग टू प्रूव। देखो मैं ध्यान दो इन्हें क्या है, जहाँ तो इंटरसैक्शन के कुछ भी कॉमन नहीं होएगा एम टी होएगी या फिर सब कुछ ही कॉमन। तो पहले आपने मान लिया ना कुछ कॉमन नहीं है, जो कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर प्रूव करने रह की गया, तो वी आर ऑलरेडी डन। दूसरा If H A intersection H B is not equal to phi, मतलब इन्हें दी intersection empty नहीं है जी, there is something in common, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। So जेकर जो therefore there exist कोई ना कोई X होना चाहिए जेड़ा H A दे विच भी होएगा
तो एच बी दे विच भी होएगा। एक्स कोई एलीमेंट इस तरह का एग्जिस्ट करना चाहिए, जेकर खाली नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो होएगा ही होएगा। से दैट एलीमेंट इज एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू एच ए इंटरसेक्शन एच बी। मीनिंग वट डज इट मीन, यदा मीनिंग होया एक्स बिलोंग्स टू एच ए बाई द डेफिनेशन ऑफ इंटरसैक्शन एंड एक्स बिलोंग्स टू एच बी। एक्स थोड़ा एच ए नू भी बिलोंग करेगा तो एक्स एच बी नू भी बिलोंग करेगा। लो बेटा ध्यान दो, हुण जेकर थोड़ा एक्स एच ए नू बिलोंग कर रहा तो एक्स किस तरह का होएगा, एच वन ए टाइप। एंड एक्स ए अकॉर्डिंगली इतने मैं सेम एलीमेंट नहीं लिख सकता, इट मे चेंज, हाँ सेम लिख भी सकते हैं तो अलग भी हो सकता है। तो इतने मैं एच टू लिख दिना, एच टू बी है जी। तो इतने एक चीज़ मैनशन करनी जरूरी है, एच वन तो एच टू किनू बिलोंग करते हैं जी, एच न। लो बेटा ध्यान दो, इन्हों की लैफ्ट हैंड साइड सेम है एक्स एक्स, तो ओबियसली राइट हैंड साइड भी की होनी चाहिए है, सेम होनी चाहिए है। सो दिस इंप्लाइज एच वन ए शुड बी इक्वल टू एच टू बी। हाँ जी ठीक है, एच वन ए कि इक्वल आ गया जी, एच टू बी दे इक्वल आ गया, बिकॉज लैफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी की होनी चाहिए है जी, इक्वल होनी चाहिए है। बोलो जी क्लियर है। लो बेटा ध्यान दो, दोनों पास एच वन एच नू बिलोंग कर रहे हैं, एच तुहाडे कोल सब ग्रुप है तो एच वन इनवर्स नाल ओपरेट कर लो जी। इधर इधर भी एच वन इनवर्स नाल ओपरेट कर लो जी। लो बड़ा ध्यान दो, ए बन गया जी एच वन इनवर्स एच वन ए, एंड दिस इज एच वन इनवर्स एच टू बी। लो जी ये तुहाडे कोल की हो गया, एच वन इनवर्स एच वन ई हो गया, तो ई ए इज इक्वल टू एच वन इनवर्स एच टू बी। लो बेटा जी ये तुहाडे कोल की बन गया ए ए, एंड दैट इज इक्वल टू एच वन इनवर्स। देखो ध्यान दो, आ दोनों एच दे एलीमेंट है, एच वन भी एच दा एलीमेंट है, एच टू भी एच का एलीमेंट है, तो एच वन इनवर्स एच टू भी किदा एलीमेंट होएगा, एच का ही होएगा। उन्होंने मैं सिंपली एच कह दिना, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इन नाम एच दे दो जी, एच बी हो गया। इतने मैनशन कर दौ एच की कोल एच वन इनवर्स एच। लो जी ध्यान समझो ना, उस तरह ही एच ए कि कोल आ गया जी, एच तो ठीक है, ए कि कोल है एच बी दे, इतने यदि वैल्यू पुट कर दौ। लो बेटा जी ए हो गया तुहाडे कोल एच एच बी, जिस तरह आपां पिछले क्वेश्चन दे विच कीता सी एच एच किहदे इक्वल हो जाएगा एच दे, तो अल्टीमेटली की हो गया एच ए किहदे कोल आ गया जी एच बी दे। रीजन इज़ क्वाइट सिंपल, इत्थे उही फस्ट प्रॉपर्टी, अगर तुहाडा एच एच नू बिलोंग करदा जो कि कर ही रहा है, हाँ कर रहा है क्योंकि दोनों ही एच नू बिलोंग करदे एच वन ते एच टू, तो यदा मतलब एच बी किनू बिलोंग कर गया एच नू, जेकर एच एच नू बिलोंग कर गया तो एच एच की दे कोल होना चाहिए जी, एच दे कोल होना चाहिए, एंड दैट इज़ द प्रूफ। बोलो जी ठीक है, आपने की सपोज किया सीगा, पहले तो अपने मान लिया इन कुछ भी कॉमन नहीं है, जेकर कुछ भी कॉमन नहीं है तो अपना प्रूफ ऑलरेडी हो गया जी, ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पई। पर जे अपने मान भी इन द इंटरसैक्शन के कुछ भी कॉमन नहीं है, एच ए एच सॉरी एच ए तो एच बी देर इज़ नथिंग इन कॉमन, तो फिर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, तो उन्होंने मैं नाम देता जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एच ए इंटरसैक्शन एच बी। तो इंटरसैक्शन तो ओबियसली एच ए भी होएगा एच बी दे भी होएगा, जेकर एच ए होएगा तो एक्स किस तरह का होएगा, एच वन ए टाइप, तो ये एच टू बी टाइप। एच वन तो एच टू तुम सेम भी लै सकते सी, बट उत्थे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि अलग अलग भी तो हो ही सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी नू देखते हो मैं एक दे एच वन लिख लिया, एक दे एच टू लिख लिया। बेसिकली एच वन तो एच टू दोनों एच नू बिलोंग करते, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो यदि लैफ्ट हैंड साइड तो एक्स है, ये भी एक्स है, तो ओबियसली राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए है, तो दोनों पास ही एच वन इनवर्स के नाल ओपरेट कर लिया जी। ठीक, एच वन इनवर्स इंटू एच वन, तो ये तो ई हो गया, इतने ई ए किदे कोल आ गया जी एच वन इनवर्स एच टू बी। तो लो बेटा जी आडे को ए ही रह गया, इनू मैं सिंपल एक एलीमेंट की फॉर्म कन्वर्ट कर लिया, नहीं करना तो इच्छा है, एच ही रह गया, तो दिस इज एच बी।
ना उसे तरह ही एच ए आप किस तरह लिखते हैं, ए की वैल्यू इतने सबसीट्यूट कर लो, एच ए की वैल्यू कितनी एच बी है, तो एच एच इकट्ठा कर लियो जी, एच एच कि इक्वल हो गया, एच के इक्वल हो गया बिकॉज थोड़ा जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच में बिलोंग करता है, तो बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी एच 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 के इक्वल आ गया, तो एच 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 के इक्वल हो गया, यानी कि एच 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 बी हो गया, तो अल्टीमेटली एच एच बी के इक्वल आ गया। देखो बेटा ध्यान नाल समझो, जेकर किसी ने कोई डाउट लगता है तो पूछो जी, बोलो क्लीयर है, हाँ जी समझ लग्या, हाँ जी गुरप्रीत समझ लग गया। लो जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा मैं प्रूफ नहीं कर रहा, ये तो आडे लिए छड़ूंगा, जस्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं राइट डाउन करन जा रहे हैं जी, जे तुसी करना चाहो तो कर भी सकते हो, कुछ खास नहीं है, बट थेरेटिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जी, कर दिए साहब ठीक है जी। हाँ जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, हाँ जी व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी, थोड़ा ध्यान नाल समझन की कोशिश करियो जी ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी, प्रूव दैट हाँ जी थर्ड प्रॉपर्टी, हाँ जी थर्ड प्रॉपर्टी की है, प्रूव दैट जी ऑब्वियसली ग्रुप की गल कर रहे हैं ना, प्रूव दैट जी इज यूनियन ऑफ जा जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल इट्स राइट, मैं राइट की गल करा तो लैफ्ट भी लिख सकते लैफ्ट कोसेट, मीनिंग सिंपल है जी, जी थोड़े को ग्रुप है तो जी नु तुसी लिख सकते हो एज ए यूनियन ऑफ एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी, ए बी सी की एलीमेंट है जी, जी दे एलीमेंट है, ये किन्ने भी हो सकते हैं जी, तो सिंपल फॉर्म से इस तरह लिखा जाता है जी इक्वल टू यूनियन एच ए वेयर एज ए बिलोंग्स टू सॉरी जी ए बिलोंग्स टू जी ठीक है जी, मीनिंग जेड़ा तुहाडा जी है दैट इज यूनियन ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, ये मैं प्रूव कर चुके हैं, कोई दो राइट कोसेट या लैफ्ट कोसेट की होंगे जी डिसजॉइंट होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, तो लिखना तो लिख लो जी डिसजॉइंट यूनियन, नहीं तो सिंपली क्लीयर है जी क्योंकि डिसजॉइंट आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो जी कोई भी ग्रुप है उन्होंने आप लिख सकते हैं एज ए यूनियन ऑफ इट्स ऑल इट्स राइट कोसेट, मीनिंग दिस ईयर जी जी इज ए ग्रुप, आडा एच ए हो गया आडा एच बी हो गया, ए ओवरलैप नहीं करेगा बिकॉज देयर इज नथिंग इन कॉमन, इसी तरह कोई एच सी हो गया इसी तरह एच डी हो गया एंड सो ऑन, मीनिंग ये होया भी जड़िया तोड़िया जानि कि राइट कोसैट्स या लैफ्ट कोसैट्स है वह पूरे ग्रुप की पार्टीशन कर देंगे जी इनटू डिस्टिंक्ट डिसजॉइंट राइट कोसैट्स, मतलब जी इज ए यूनियन ऑफ डिसजॉइंट राइट कोसैट्स जा फिर लेफ्ट भी लिख सकते हो क्योंकि इन्हें विच कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अल्टीमेटली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्टीशन, यानी कि जिहड़ा तुहाडा हा राइट कोसेट्स हैगे है इहदे एच ए एच बी एच सी एच डी जो भी हैगे है ये सारे दे सारे विच एच ई होएगा, ये सारे दे सारे की करते हैं जी नू बना देंगे, यानी कि यह जी की एक तरह की पार्टीशन होगी, तो प्रूफ दे लई बेटा मैं हिंट दूंगा, मैं प्रूफ नहीं कर रहा, हिंट दे लई बड़ा सौखा है कुछ खास नहीं है, हिंट की है
देखो ध्यान नाल दो सैट ही है इक्वल प्रूव करने हैं कोई एलीमेंट ए जी ए लो कुछ भी लिख लो जी एक्स की दे विच लो जी दे विच तो ये थोड़ा काम है वो एक्स नू की दे विच ले जो यूनियन एच ए दे विच हुण वैसे सोचने वाली गल है एक्स थोड़ा जी दे विच ओ किते ना किते तो होएगा ही होएगा इत्थों किते किते भी होया किते ना किते तो होएगा तो किसी ना किसी एच ए दे विच तो किसी एक दे विच तो होएगा ही होएगा जे एक च होगा तो पूरी यूनियन च हो गया तो अल्टीमेटली हो गया जी प्रूफ एक्स थोड़ा अगर जी नू बिलोंग करता है तो एक्स किसी ना किसी राइट को सैट का मैंबर तो होएगा ही होएगा जी का भी होएगा बाकियों नालों की यूनियन लवेंगे यूनियन के भी आ गया तो अल्टीमेटली बड़ा सिंपल जहा एक्स अगर तुम ये किसी एक दे लें हो तो पूरी यूनियन के भी आ गया तो अल्टीमेटली हो ही गया तो मेरे प्रूव करने वाली भी कोई गल नहीं आ लो जी हो गया ए बिलोंग्स टू जी हिंट की लड़ ही नहीं प्रूव ही हो गया हूँ दूसरा इन्हें तुम फस्ट मानो चलो तो मैं कर ही दिना दूसरे के लिए हूँ कोई एलीमेंट ए च लो लैट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन एच ए लो बेटा हूँ थोड़ा ध्यान यूनियन एच ए बिलोंग करता है वेयर एज ए बिलोंग्स टू जी थोड़ा ध्यान देखियो हुण एक्स जेकर यूनियन नू बिलोंग करता तो किसी ना किसी एक नू तो करेगा करेगा एच ए नू फॉर सम एच ए है ना ए ओबियसली किनू बिलोंग किसी एक राइट को से पूरे दी यूनियन नू करता है किसी ना किसी एक नू तो करेगा ज़्यादा उन्हू भी कर सकता बट एक नू तो करेगा ही करेगा तो एक्स एच ए नू बिलोंग कर गया तो एक्स किस तरह का होएगा एच ए टाइप हुण देखो बेटा ध्यान दिओ जिहड़ा तुहाडा ए आ उहदा जी नू बिलोंग करदा ही करदा है एच किहनू बिलोंग करदा है एच नू बट एच फरदर किहदा सबसेट है जी दा तो एच भी किहनू बिलोंग कर गया जी नू अल्टीमेटली आ भी जी नू बाय क्लोजर प्रॉपर्टी सारा किहनू बिलोंग कर गया जी जी नू एच ए किहनू बिलोंग कर गया जी नू यानी कि एक्स किहनू बिलोंग कर गया जी नू हो गया जी प्रूफ एक्स किहदे विच सीगा एच इहनां दी यूनियन दे विच यानी कि जिहड़ी यूनियन है एच ए बिलोंग्स टू एच वो किहदा सबसेट होगी जी दा से दिस इज द सेकेंड वन बाय वन एंड टू तो जी इज यूनियन ऑफ इट्स राइट को लो जी मैं प्रूव भी करता किसी ने कोई डाउट लगता है तो पूछ लो जी हिंट नहीं है मैंने प्रूव भी करता सारा जी क्लियर तो दो सैट्स नू इक्वल प्रूव करने का तरीका तो दस ही है किस तरह होंगे जी आ दो सैट ही एक तरह ना ए भी सैट है भी सैट इक्वल प्रूव करना एच कोई एलीमेंट लो इन एच लै जो एच एलीमेंट लो इन एच लै जो तो एक्स में जी च कोई एलीमेंट लिया तो एक्स जी च है आपने एक्स नू आपां किहदे च लै जाना इहदे विच हुण एक्स जी दे विच तां किसे ना किसे राइट को सैट्स तां होएगा किसे एक दे विच ही हो गया तो पूरी यूनियन च हो गया तो दैट मीनस एच जी दा सबसेट हो गया इस यूनियन दा हुण इस यूनियन दे विच कोई एलीमेंट लै लो उहनू एक्स जी दे विच लै जो दैट मीनस दोनों की हो गए इक्वल तो अल्टीमेटली मेन चीज़ जी मैं दसनी चाहना इस प्रॉपर्टी के है भी जोड़े राइट कोसैट्स ज लैफ्ट कोसैट्स है वह सैट की पार्टीशन कर देंगे है ठीक है इन टू डिस्टिंक्ट राइट कोसैट्स ज लैफ्ट कोसैट्स अकॉर्डिंगली हाँ जो नॉर्मल है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं लैफ्ट राइट कोई समस्या नहीं होएगी बोलो जी अब तक किसी ने कोई डाउट है तो पूछ सकते हो लो जी फाइनली मैं लास्ट प्रॉपर्टी करवा जा रहा हैं इनू बेटा ध्यान नाल समझण की कोशिश करियो जी एक लास्ट प्रॉपर्टी है ये तुहानू फंक्शनस बारे पता होना चाहिए उम्मीद आप फंक्शनस बारे काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ लोअर क्लासेस दे विच तो पढ़ती हैं जी हाँ जी लिसन प्लीज दो राइट कोसैट्स दे विच जां दो लैफ्ट कोसैट्स दे विच एक वन वन करोसपोंडेंस एग्जिस्ट करेगी वन वन करोसपोंडेंस का मतलब है एक मैपिंग जां एक फंक्शन इस तरह का एग्जिस्ट करेगा जेड़ा वन वन भी होएगा ते ऑन टू भी होएगा ठीक है जी तो मैं करन जा रहे हैं जी प्रूफ तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं जी प्रॉपर्टी दी स्टेटमेंट की है प्रूफ दैट देयर एग्जिस्ट वन वन क्रॉसपोंडेंस हाँ जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर फोर वट एवर देख लियो जी आई थिंक फोर ही है हाँ जी प्रॉपर्टी नंबर फोर दिस इज एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन कॉन्सेप्चुअली यह बहुत इंपॉर्टेंट है इनू आप कुछ थ्यूरम्स दे विच भी यूज़ करांगे प्रूव दैट
there exist a 1-1 correspondence there exist a 1-1 correspondence 1-1 correspondence exist karegi ji between two right cosets jahan fir left cosets हाँ जी ठीक है दो लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स के बीच 1-1 कॉरेस्पोंडेंस एग्जिस्ट करेगी हाँ जी प्रूफ प्रूफ बड़ा सिंपल है लेट एच ए एंड एच बी बी टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी जी दे बीच कोई दो राइट कोसेट्स है एच ए ते एच टू ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋਸਪੋਂਡੈਂਸ 1-1 ਕਰੋਸਪੋਂਡੈਂਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਐਫ ਕੋਈ ਮੈਪਿੰਗ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਚ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਐਚ ਬੀ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਐਚ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਕੋਈ ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈ ਬਸ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 1-1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਔਨ ਟੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 1-1 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 1-1 1-1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 1-1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਕਸ 1 ਅਤੇ ਐਕਸ 2 ਉਹਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ 1 ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ 2 ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋ ਪਰਸਨ ਆ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 1-1 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ 1-1 ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ 1 ਅਤੇ ਐਕਸ 2 ਕੋਈ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਫੋਰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਇਮੇਜਸ ਅਤੇ ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਟ 1-1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸ 1 ਅਤੇ ਐਕਸ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ 1-1 ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਔਨ ਟੂ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਡਮੇਨ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚ ਦੈਟ ਦਿਸ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦੈਟ ਐਕਸ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੈਫਟ 'ਤੇ ਐਕਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਨ ਟੂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੋਰ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਸਮ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਏ ਸੱਚ ਦੈਟ ਦਿਸ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਨ ਟੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਮੋਫਿਜ਼ਮ ਆਈਸੋਮੋਫਿਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1-1 ਔਨ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਲਓ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਫ ਇਜ਼ 1-1 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਡੋਮੇਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕੋਡ ਡੋਮੇਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਐਚ 1 ਏ ਅਤੇ ਐਚ 2 ਏ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ ਐਚ ਏ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੈਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਐਫ ਆਫ ਐਚ 1 ਏ ਅਤੇ ਐਫ ਆਫ ਐਚ 2 ਏ ਸੇਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਐਚ 1 ਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ ਲਓ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਲਗਾਓ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਚ ਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਚ ਬੀ ਦੇ ਤਾਂ ਐਚ 1 ਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਚ 1 ਬੀ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਯੈਸ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਚ 2 ਬੀ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਰਾਈਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਬੀ ਬੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐਚ 1 ਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਚ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ 2
फिर ए ना मल्टीप्लाई कर दो ए वन एच जी एच वन ए ते एच टू ए। लो बेटा ध्यान दो, दो एलीमेंट्स की इमेज आपने सेम ली सी तो एलीमेंट्स भी की आ गए सेम आ गए। लो जी फाइनल स्टेप बचा ऑन टू, एफ इज ऑन टू, वैसे दिख रहे हैं जी नथिंग टू डू, एफ इज ऑन टू। हुण देखो जी ध्यान नाल, इहदे विच कोई एच बी है तो उहदे क्रॉस, इहदे विच कोई एच बी है उहदे क्रॉसपोंडिंगली इधरले पासे कोई ना कोई एच ए होएगा ही होएगा। मीनिंग मैं इहनूं थोड़ा अलैबोरेट करन दी कोशिश करदा, ध्यान नाल समझियो जी। लो जी ध्यान दिओ, तो की करते हैं आपां, इहदे विच कोई एलीमेंट लिखते हैं, यस इहदी डोमेन दे, हाँ जी कोड डोमेन दे विच वाई लिख लो जी, वाई बिलोंग्स टू एच बी, वाई जेकर एच बी नूं बिलोंग करता है तो वाई किस तरह का होएगा, एच इन टू बी टाइप होएगा, वाई किस तरह का होएगा जी, एच इन टू बी टाइप होएगा। ओबियसली एच तुहाडा किनूं बिलोंग कर रहा है जी, एच नूं बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। ना टेक एक्स, एक्स कोई इस तरह का एलीमेंट ले लो एच ए टाइप, एक्स कोई एलीमेंट लो जी किस तरह का एच ए टाइप। हुण तुहाडा एच एच नूं बिलोंग कर रहा है, एक्स तुहाडा किस तरह का होएगा, हुण जी थोड़ा ध्यान नाल, एक्स तुहाडा किहदे इक्वल है, एच ए दे इक्वल है, एच तुहाडा एच नूं बिलोंग कर रहा है, इहदा मतलब एच ए किहनूं बिलोंग कर गया जी, एच ए नूं। तो अल्टीमेटली एच ए इज़ नथिंग बट एक्स किहनूं बिलोंग कर गया, एच ए नूं, हो गया जी सिंपल। जेकर वाई तुहाडे कोल एच बी नूं बिलोंग करदा उहदे क्रॉसपोंडिंगली आपां एक्स लभ सकदे हैं जिहड़ा एच ए नूं बिलोंग करेगा, सच दैट देखो जी ध्यान नाल, एफ ऑफ एक्स, एक्स दी इमेज कढ़ियो एफ एच ए, इहदी इमेज कढ़ियो किन्नी बनदी है एच बी, एच बी इज़ नथिंग बट वाई, हो गया जी। तो एफ इज़ ऑन टू, ठीक। देखो बेटा ध्यान दो, है कुछ भी नहीं है, तो आपने एक फंक्शन की एग्जिस्टेंस शो करनी सी वन वन क्रॉसपोंडेंस के लिए, भी ये फंक्शन वन वन भी होना चाहिए तो ऑन टू भी होना चाहिए, तो ये फंक्शन मैं ये सपोज कर लिया, इन वन वन भी प्रूव करता तो ऑन टू। लास्ट थिंग, लास्टली गल याद रखियो, जेकर दो सैट्स के एक फंक्शन डिफाइन कर सकी जो वन वन ऑन टू भी हो, वन वन भी होन टू भी हो, मतलब यह होंगे भी इन्होंने दोनों का ऑर्डर सेम होएगा, एच ए तो एच बी का जो ऑर्डर है सेम होएगा, एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। मीनिंग जिन्ने एलीमेंट एच ए उन्ने एलीमेंट ही एच बी दे। हाँ जी देखो बेटा ध्यान ना, जो कोई डाउट लगता है तो पुछो, ठीक। बाकी फिर आप इन डिटेल दे विच कल डिस्कस करते हैं जी, कल का लैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होएगा, उहदे विच आप एक लगरेंजन थ्योरम करांगे, उस तो बाद कन्वर्स देखांगे सैटिस्फाइड है जा नहीं है, ठीक है जी। तो इत तक देखो जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, बाकी फिर आप कल करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।